जय हिंद। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए थे। दांत के बारे में जितना भी जानकारी होता है सारा चीज़ जान गए थे कि दांत कितने प्रकार के होता है, चार प्रकार के उसके टाइप्स थे, ये सब जान चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग जीभ के बारे में जानेंगे, यानी कि इसको इंग्लिश में टंग कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। जीभ का क्या काम है, क्या फंक्शन है, इस पर क्या होता है, आखिर कि जो हमको टेस्ट फील कराता है जीभ में, ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके वजह से हम लोग को टेस्ट फील होता है, यानी कि स्वाद फीलिंग होता है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, कुछ इसका मेन पॉइंट है। जैसे जीभ को मस्कुलर ऑर्गन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्कुलर ऑर्गन, यानी कि मांसपेशीय अंग। अब देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है। जीभ का अपना छुइए, देखिए यहाँ से जीभ क्या है आपका। जीभ में केवल यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, मांस है। इसमें ना तो हड्डी है ना फिर दूसरा चीज़ है। जीभ क्या है, जीभ सिर्फ और सिर्फ मांस से बना है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशीय अंग इसको कहा गया है। इसके बाद देखिए, ये हाइवाइड बोन से जुड़ा होता है। हाइवाइड बोन यहाँ पे होता है गर्दन में, क्या होता है अंदर की ओर, क्या होता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे, मांसपेशीय तंत्र, तो उसमें पढ़ा जाएगा कि जो मस्कुलर ऑर्गन है वो इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है? इनवॉलेंट्री। कहने का मतलब कि अनैच्छिक, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। स्केलेटल सिस्टम में भी पढ़े थे, ऐसा अंग जिस पर हमारा कोई भी कंट्रोल ना हो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, और उसका उदाहरण है मस्कुलर ऑर्गन। तो भैया, मस्कुलर ऑर्गन तो जीभो है, तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे चाह रहे वैसे हम अपना जीभ घुमा ले रहे हैं, तो इस पर हमारा कंट्रोल है ना। आखिर काहे है, क्योंकि जो जीभ है हाइवाइड बोन से जुड़ा रहता है अंदर। हाइवाइड बोन ध्यान दीजिएगा, गर्दन का जीभ है। हाइवाइड बोन जो है कहाँ का है, हड्डी गर्दन का है। इसका शेप होता है यू आकार के। शेप क्या होता है इसका? यू आकार के होता है। तो देखिए, ये क्या है कि ध्यान दीजिए इस बात को, जो जीभ है क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं स्केलेटल सिस्टम, तो उसमें कहा जाता है कि जो मस्कुलर ऑर्गन है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन जीभ में ऐसा क्या चीज है कि हमारे कंट्रोल में है, तो इस पर यह है कि यह हाइवाइड बोन से जुड़ा हुआ रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि जीभ हमारे कंट्रोल में है। जीभ माना कि जीभ मस्कुलर ऑर्गन है, लेकिन जीभ का जो लास्ट अंत होता है यहाँ पे एंडिंग, वो बोन से जुड़ा होता है, हाइवाइड नामक बोन से। इसलिए हमारे कंट्रोल में क्या होता है, जीभ होता है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये इनवॉलेंट्री नहीं बल्कि वॉलेंट्री, यानी कि हमारे कंट्रोल में होता है। क्या होता है? जीभ हमारे कंट्रोल में होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, जीभ को एक सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है। सेंसरी ऑर्गन कहने का मतलब कि वो हमें किसी ना किसी चीज़ का सेंस कराता है, यानी कि हमें फीलिंग देता है कि हाँ ये चीज़ अब फिट। क्या चीज़ का सेंस कराएगा भैया? टेस्ट का। टेस्ट कहने का मतलब कि स्वाद के। क्या चीज़ का? स्वाद के। हम भी कोई भी चीज़ मीठा नमकीन ये सब चीज़ खाते हैं, तीता, तो क्या होता है, हम लोग का फीलिंग कराते कि ये तीत है भाई, ये मीठा है। तो इस पे क्या होता है, टेस्टिंग बड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएँ होते हैं। ये क्या है? टेस्टिंग बड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिंग बड्स। हिंदी में कहेंगे स्वाद कलिकाएँ, स्वाद कलिकाएँ। अब देखिए, स्वाद कलिकाएँ क्या होता है और कहाँ होता है, ये फोटो देखिए, ये रफली डायग्राम है। ये देखिए फोटो जो है, इसमें छोटे छोटे ये जो है, यही सब क्या है आपका, स्वाद कलिकाएँ होता है। अपना जीभ पर भी देखिएगा, जीभ को पूरा खंधार कर आप लोग जब भी देखिएगा तो क्या होगा, दिखेगा छोटे छोटे बूंद टाइप के। क्या दिखेगा? छोटे छोटे बूंद टाइप के, वही क्या है आपका, टेस्टिंग बड, यानी कि क्या है, स्वाद कलिकाएँ। अब देखिए, इसमें हम लोग का मेन चीज़ पढ़ना है कि जीभ के कौन से पार्ट पर कौन सा टेस्ट फील होता है। जैसे कि देखिए, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ, मतलब सबसे स्टार्टिंग जो होता है थोड़ स्टार्ट छोट की, वहाँ पे हम लोग का स्वीट्स फील होता है। स्वीट्स कहने का मतलब कि मीठा के फीलिंग यहीं से आता है। कोई भी मीठा चीज़ खाइएगा, मीठा चीज़, तो यहाँ पे रखिएगा तो फील आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तीता कोई भी चीज़ रहेगा, यहाँ पे फिर रखिएगा तो फीलिंग नहीं आएगा। तीता के लिए आपको लास्ट में, जब तक यहाँ तक नहीं जाएगा, अंदर तक जहाँ पर कंठ होता है वहाँ तक नहीं जाएगा, तो आपको तीता या गार्लिक, मतलब होता है आपका क्या चीज़, तीता होगा। क्या होगा? तीता।
वहाँ पे तीखा चीज़ का फील आएगा, शुरू में नहीं आएगा। मीठा कहेंगे स्टार्टिंग में मीठा आ जाएगा, बीच में नमक के आएगा, सॉल्टी का मतलब नमक, बीचा में आप लोग रखिएगा कोई भी, तो नमकीन का आएगा टेस्ट। जीभ के देखिए ध्यान दीजिए, जीभ के कौन से भाग पर कौन सा टेस्ट फीलिंग होता है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगा कहाँ से, जीभ के सबसे शुरू में थोड़ पे जिसको बोलेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, मीठा का फीलिंग होगा, बीच में नमकीन के, सबसे लास्ट में क्या के तीखा के यानी कि तीखा का फीलिंग होगा। अब देखिए इसमें हम लोग को चार चीज़ पढ़ना है, पेपली, पेपली कहने का मतलब कि उसी पर होता है ये, देखिए पेपली बूंद बूंद होता है, इसी पर टेस्टिंग बर्ड्स होता है, ये बड़ा है इसी के अंदर छोटे छोटे क्या होगा टेस्टिंग बर्ड्स होता है, ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है, ये वो अपना बड़ा घर है, इसी के अंदर छोटे छोटे जो दाना है ये टेस्टिंग बर्ड है, लेकिन ये टेस्टिंग बर्ड होता कहाँ है, तो पेपली के अंदर होता है, कहाँ होता है आपका, पेपली के अंदर क्या होता है भैया, टेस्टिंग बर्ड होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब टेस्टिंग के जो बर्ड होता है कहाँ होता है, पेपली के अंदर होता है। ये जो पेपली है चार प्रकार के होता है, कितने प्रकार के होता है, चार प्रकार के होते हैं, उसका नाम देखिए। सबसे एक नंबर पे सर्कुमवेलेट पेपली, क्या है सर्कुमवेलेट पेपली, ध्यान दीजिए आप, खाली नाम याद रखिएगा, इसके बारे में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। सर्कुमवेलेट पेपली, फंगीफॉर्म पेपली, कौन फंगीफॉर्म, ये होता है सबसे बड़ा लार्जेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा, सर्कुमवेलेट फंगीफॉर्म पेपली, फंगीफॉर्म पेपली जो होता है क्या होता है सबसे बड़ा होता है यानी कि लार्जेस्ट है। फिलीफॉर्म पेपली स्मॉलेस्ट होता है, इसमें एक और फिलीफॉर्म पेपली के बारे में आपको पढ़ना है कि इस पर कोई भी टेस्टिंग बर्ड्स नहीं होता है, क्या होता है फिलीफॉर्म जो है इस पर नो टेस्टिंग बर्ड्स, इसमें कोई भी टेस्टिंग बर्ड्स नहीं होता है, किस में नहीं होता है आपका, फिलीफॉर्म पपली में, ध्यान रखिएगा फिलीफॉर्म, फिली का मतलब ध्यान दीजिए खाली, फिली का मतलब क्या होगा खाली, और खाली में कोई भी टेस्टिंग बर्ड्स नहीं होगा। उसके बाद है फोलिएट पेपली, क्या होता है फोलिएट पेपली, पेपली कितने प्रकार के होते हैं आपका, चार प्रकार के, ध्यान दीजिए सर्कुमवेलेट पेपली, फिलीफॉर्म पेपली, उसके बाद है फंगीफॉर्म, फंगीफॉर्म जो होगा आपका सबसे बड़ा होगा, फिलीफॉर्म जो होगा सबसे छोटा होगा। अब फिलीफॉर्म के बारे में एक और बात कि इस पर कोई भी टेस्ट बर्ड यानी कि स्वाद कलिकाएं नहीं होता है। और चार नंबर पर है फोलिएट पेपली, क्या है फोलिएट पेपली, तो देखिए जीभ के बारे में हम लोग क्या पढ़े, एक बार ध्यान से आप लोग केवल सुनिए, याद आप लोग का आसानी से होगा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर आप नहीं देखिए। जीभ के बारे में एक नंबर पर पढ़े कि जीभ क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है यानी कि मांसपेशीय ऑर्गन है, ठीक है ये बात मान लीजिए। दूसरा बात, जब जीभ मस्कुलर ऑर्गन है तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, लेकिन कंट्रोल में है, आखिर जीभ में हम लोग का क्या है, जो ये क्या है हम लोग का कंट्रोल में भैया है, तो देखिए जीभ जो है हमारे हायाइड बोन से जुड़ा हुआ होता है, हायाइड बोन जो है क्या है भैया, गर्दन के ये बोन है जिससे जुड़ा हुआ होता है, तो क्या है ये जीभ जो है बोन से जुड़े होने के कारण ही हमारे कंट्रोल में है, ध्यान दीजिए क्या बोले, जीभ जो है हमारे बोन से क्या है जुड़ा हुआ है, और जुड़े हुए के कारण ही क्या है हमारे कंट्रोल में है। तीन नंबर बात, ये क्या है सेंसरी ऑर्गन है, क्या है जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है, जो कि हमको क्या करता है कोई भी टेस्ट फील कराता है, जीभ क्या कराता है हम लोग को टेस्ट फील कराता है, यानी कि कोई तीखा खाएंगे, मीठा खाएंगे, कड़वा चीज़ खाएंगे, कोई भी चीज़ खाएंगे वो हम लोग को टेस्ट का फीलिंग करेगा, तीन बात समझ ली। अब जीभ के स्ट्रक्चर देखेंगे तो कौन से जीभ के भाग पर, इतना बड़ा जीभ है भैया देख लीजिए, इतना बड़ा है तो जीभ के कौन से भाग पर कैसा टेस्ट आता है ये जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो जो सबसे शुरू में होता है स्टार्टिंग में, इस पर हम लोग का मीठा के फीलिंग आता है, कैसा आता है भैया स्वीट्स, स्वीट्स कहने का मतलब मीठा के फीलिंग आता है। उसके बाद है बीचा में, जीभ के बीच में सॉल्ट यानी कि नमकीन का फीलिंग आएगा, जब भी डमलोट मिक्सचर ये सब फाकिएगा तो आपको फीलिंग, जहाँ बीच में जब तक नहीं जाएगा जीभ के वहाँ तक फीलिंग नहीं आएगा। सबसे लास्ट में तीखा का फीलिंग आता है, सबसे अंतिम में कितना क्या चीज़ का फीलिंग आता है, तीखा का फीलिंग आता है। उसके बाद हम लोग पढ़े पेपली, पेपली कहने का मतलब कि जो टेस्टिंग बर्ड है ये होता कहाँ है, तो पेपली के अंदर ही होता है, इसलिए हम लोग को पढ़ना जरूरी हो जाता है। देखिए तो पेपली चार प्रकार के होता है,
सर्कुमवेलेट पेपली, फंगीफॉर्म पेपली, फिलीफॉर्म पेपली, फोलिएट पेपली। सर्कुमवेलेट पेपली खाली नाम जानिए, फिलीफॉर्म पेपली जो इसमें जानिए कि स्मॉलेस्ट होता है, इस पर कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होता है। फंगीफॉर्म पेपली सबसे बड़ा होता है, ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा कि फंगीफॉर्म पेपली सबसे लार्जेस्ट पेपली कौन सा होता है, तो क्या होगा आपका फंगीफॉर्म पेपली। उसके बाद आप लोग को पढ़ना सबसे स्मॉलेस्ट तो आएगा फिलीफॉर्म। एक और ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ऐसा कौन सा पेपली है जिस पर क्या है भैया हम लोग का कोई भी टेस्टिंग बर्ड्स नहीं है, तो क्या होगा आपका फिलीफॉर्म एक फोलिएट पेपली। तो जीव के बारे में, मानव जीव के बारे में इससे ज़्यादा हमको जहाँ तक लगता है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो से कुछ सीखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही ट्रिक से रिलेटेड और आसानी से ईजी वे में समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग।